पर फोर देखिए क्या रहा, इन एनी ट्रायंगल एबीसी इसका वैल्यू क्या होगा, यानी देखिए क्या दिया है, टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू बी सी कॉस ए, टू सी ए कॉस बी और टू ए बी कॉस सी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू में होता है बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में टू बी सी, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से टू बी सी कॉस ए इक्वल टू ये ना हो जाएगा, यानी आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन।